एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, सॉलिड स्टेट के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी वाला पोर्शन आ गया था। उससे पहले हमने रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस जान लिया, अलग अलग टाइप के जो भी हमारे पास क्यूबिक लिटाइज थे, इसके अंदर मेन थ्री जो थे, जिसके अंदर सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर क्यूबिक, ये तीनों तीन के अंदर हमने जान लिया किस तरीके से रिलेशन होता है एज लेंथ और रेडियस के बारे में। खास इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके भी अगले लेक्चर के अंदर हमने रैंक जान लिया, रैंक इन द सेंस कि नंबर ऑफ एटम कितने कवर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि क्यूबिक लिटाइज के अंदर। रेडी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पैकिंग एफिशिएंसी। लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी को पढ़ने से पहले आपको मैं एक टेबल यहां पे बना के देता हूं, जिससे आपको रिकैप्चुलेशन हो जाएगा कि आप पता चल जाएगा आपको कि हमें आज पढ़ना क्या है, उसके अंदर हमें क्या यूज करना है। ठीक है ना, तो हमने तीन चीजें पढ़ी थी, उसका टेबल फटाफट से पहले बना लीजिए। हमने पहले तो क्रिस्टल सिस्टम पढ़ी थी, जो वो क्रिस्टल सिस्टम के अंदर से जो हमारे काम के तीन मैं वो थे जो लिटाइज वो लिख देता हूं, पहले लिखता हूं मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल। देन आफ्टर सेकंड वन इज बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड देन आफ्टर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये तीन की बारे में हमने डिस्कशन किया था, क्लियर ना। क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हमने उसको नाम दिया था आगे एक चीज, वो थी रैंक। रैंक इन द सेंस नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। क्या? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, खास ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ एटम कितने थे? सिंपल क्यूबिक के लिए एक ही था ना, आठों आठ कॉर्नर पे जो थे छोटे छोटे टुकड़े, वो बॉडी सेंटर के लिए क्या था? 1+1, एक बॉडी के अंदर और वो दूसरे आठ में आके एक, यानी कि टोटल कितने थे? दो। और फेस सेंटर के अंदर, फेस सेंटर के अंदर कितने थे मेरे पास? टोटल फोर, क्लियर ना। तीन फेस मिला के तीन, तीन फेस जो थे सामने सामने के आधे आधे टुकड़े, एक दो तीन, और कॉर्नर पे होते वो फोर, क्लियर ना। तो रैंक याद रखना खास, इसकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है, ठीक है ना। और आखिरी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इन द सेंस एज लेंथ और आर इन द सेंस रेडियस ऑफ पर्टिकुलर एटम विच कवर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक लिटाइज। सिंपल क्यूबिक के अंदर रिलेशन क्या था ए और आर का, यहां पे लिख रहा हूं। सिंपल क्यूबिक के अंदर रिलेशन क्या था? ए इज इक्वल टू टू आर। क्या था? ए इज इक्वल टू टू आर, याद रखिए। क्या था? ए इज इक्वल टू टू आर। बॉडी सेंटर में क्या था? ए इज इक्वल टू या आर इक्वल टू, अगर आपको लिखना हो, हमें जरूरत एक्चुअल में आर की पढ़ने वाली, अगर हम आर के इक्वल लिखना चाहते हैं तो सीधा हो जाएगा हमारे पास क्या? रूट थ्री आर बाय, माफ कीजिए, हमने जो डेरिवेशन किया था वो दो तरीके से किया था, कि हमारे पास ए इक्वल टू भी था और आर इक्वल टू भी था, क्लियर ना। मैंने आपको कहा था कि हमें जरूरत आर के इक्वल की पढ़ने वाली है कि नहीं, क्या पढ़ने वाली जरूरत? आर के इक्वल जरूरत पड़ने वाली है। सो ए इज इक्वल टू जो भी था, आर इज इक्वल टू जो भी था, वो दोनों को आप या तो किसी एक तरफ याद रखेगा, या तो आर इक्वल टू याद रखे या तो ए इक्वल टू याद रखे, ठीक है। चलिए, सो हम ए के इक्वल सीक्वेंस रखते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे पास सीक्वेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4R, माफ कीजिए, 4R बाय रूट थ्री बॉडी सेंटर के लिए था, और फेज सेंटर के लिए मेरे पास था 4R बाय रूट टू, क्लियर ना। ये चीज हमने याद रखी, क्लियर ना, जो डिस्कशन किया वो याद रखना, क्योंकि हमने डिराइव किया था A के इक्वल, हमें जरूरत पड़ने वाली है R के इक्वल, तो एक कोई भी एक सीक्वेंस याद रखना, एक तो A इज इक्वल टू 2R, A इज इक्वल टू 4R बाय रूट थ्री, A इज इक्वल टू 4R बाय रूट टू। रेडी, ये तीनों तीन याद रखिएगा खास। ये है सिंपल क्यूबिक के लिए, ये है बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए, ये है फेस सेंटर क्यूबिक के लिए। ए इज इक्वल टू टू आर, ए इज इक्वल टू फोर आर बाय रूट थ्री, ए इज इक्वल टू फोर आर बाय रूट टू, क्लियर। इस बात को ध्यान रखना खास खास याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक नई कॉलम बनेगी, नई कॉलम यहाँ पे आएगी साइड में, पैकिंग एफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन उसके लिए आपको ये बातें याद होनी चाहिए, ये बातें अगर आपको याद नहीं होगी तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद टॉपिक चालू करते हैं, फटाफट से ले लीजिए, तो टाइटल लगाइए। सबसे पहले तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारा जो टॉपिक है आज का, वो
समझिए बैंकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, पहले तो आपको मैं क्लियर कर दूं बैंकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे और हर एक सॉलिड स्टेट के अंदर हमने एक चीज पढ़ी कि अलग अलग टाइप के क्यूबिक लिटाइस होता है, अलग अलग टाइप के क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं, क्लियर ना। तो वो क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको जरा ड्रॉ करके समझाता हूँ, पता चले आपको कि भाई जैसे कि मेरे पास एक ये बॉक्स है, क्लियर ना, एक क्यूबिक बॉक्स है मेरे पास, समझना, एक मेरे पास ऐसा क्यूबिक बॉक्स है किसी भी टाइप का। अब उस क्यूबिक बॉक्स के अंदर आपको ऐसे कह दिया जाए कि भाई इसके अंदर, इस क्यूबिक बॉक्स के अंदर आपको बड़े बड़े गोले रखने हैं, क्या करना है, ये जो क्यूबिक बॉक्स है वो क्यूबिक बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, बड़े बड़े गोले रखने हैं। आपको बहुत सारे गोले दे दिए और कहा गया कि भाई जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतने गोले इसके अंदर भर दीजिए। तो आप इसके अंदर अरेंज करेंगे, प्रॉपर अरेंज करेंगे ना, क्योंकि आप जितना ज्यादा भर सकते हो उतना आपको भरना है। तो आप इसको बहुत सारी अच्छी तरीके से इसको अरेंज करेंगे, या तो आप उसको ऐसे वन बाय वन ऐसे लाइन में रख देंगे ऐसे, क्लियर ना, या तो आप उसको ऐसे अरेंज कर देंगे वन बाय वन ऐसे करेंगे, दो के बीच में एक रख देंगे, इन शॉर्ट आपके पास बहुत सारी मेथड होगी प्रॉपर अरेंज करने के लिए, क्लियर। लेकिन वो जो अरेंजमेंट होगी, समझना, वो जो अरेंजमेंट होगी, वो अरेंजमेंट जैसे मैं कोई एक 2D के लिए आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये बॉक्स है, ये 2D बॉक्स, ये 3D है, इसी को मैंने 2D में दिखाया, तो उसको मैं जैसे यहाँ पे गोले में उसके अंदर ऐसे भर रहा हूँ, क्लियर ना, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे में उसके अंदर इस प्रकार के मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं गोले भर रहा हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे ऐसे गोले भर दिए, अब ये गोले जैसे ही मैंने यहाँ पे भर दिए तो उसके अंदर एग्जैक्ट पैक हो गया, देखिए सब कुछ क्या हो गया, एग्जैक्ट पैक हो गया। और पैक होने के बाद यहाँ पे बीच में देखिए ये जगह बची, ये जो जगह दिख रही है आपको, ये जगह जो बीच में, देखिए ये जो जगह बच रही है, क्लियर ना, हर एक जगह पे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्लियर, ये जो बीच में आपको जगह दिख रही है वो जगह वो क्या हो जाएगा, उसका स्पेस, बाकी रह गया स्पेस। हमने भरने की बहुत ट्राई की, हमने अंदर बहुत एटम डालने की ट्राई की, लेकिन अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हुई कि जितना हो सकता मैक्सिमम एटम भरने के बाद भी बहुत सारी जगह क्या रहेगी, खाली, क्लियर ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे आपने जितने गोले भरे, जितने गोले अंदर भरे उस बॉक्स के अंदर, वो पैक होने की जो उनकी एफिशिएंसी है, कितना मैक्सिमम पैकिंग हो सकता है, कितना मैक्सिमम पैकिंग हो सकता है कोई पर्टिकुलर क्यूब के अंदर। अब मैं हमारे टॉपिक पे आता हूं, तो कोई पर्टिकुलर क्यूब के अंदर कितने मैक्सिमम एटम, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हम फिल कर सकते हैं, उसके अंदर पैक कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, क्या कही जाती है, पैकिंग एफिशिएंसी। और वो अलग अलग क्रिस्टल के लिए अलग अलग होती है, सही है ना, अलग अलग क्रिस्टल के लिए वो जो एफिशिएंसी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। भाई सिंपल क्यूब है तो उसका, उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी अलग होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सिंपल क्यूब के अंदर सिर्फ कॉर्नर पे एटम होते हैं, बीच की पूरी जगह खाली होती है, तो ज्यादा, सही है ना, या तो कुछ और अगर लेते बॉडी सेंटर, अगर लेते हैं तो बॉडी सेंटर बीच में एक बड़ा सा एटम आता है और आजू बाजू में जगह रहती है, तो वहां पे हम किस तरीके से एटम भरेंगे। फेस सेंटर के अंदर वो भी खाली रहता है, सिर्फ हमें फेस थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब कि वो तीनों तीन के अंदर पैक होने की जो एफिशिएंसी है, तीनों तीन के अंदर जो एटम पैक होने की एफिशिएंसी है वो क्या रहती है, मैक्सिमम, अलग अलग, माफ कीजिए, अलग अलग, डिफरेंट, क्लियर। तो वो एफिशिएंसी हमें आज पढ़नी है, और वो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला और डेफिनेशन भी उसी के अंदर आ जाएगी, जरा ध्यान रखिएगा, खास बहुत इजी है। एक्चुअल में पैकिंग एफिशिएंसी दो तरीके से की जाती है, एक कोई पर्टिकुलर एटम के लिए और एक परसेंटेज में। हम पर्टिकुलर एटम की बात करेंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे परसेंटेज के अंदर, किसके अंदर बात करेंगे, परसेंटेज के अंदर, किसके अंदर, परसेंटेज, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम, यानी कि जगह रोक रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम ने जितनी जगह रोकी, टू मीन्स रेशियो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर यूनिट सेल एफिशिएंसी परसेंट, सेंट इन द सेंस 90 100। तो ये हो गया हमारे पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, उसके साथ डेफिनेशन भी, क्लियर ना। परसेंटेज फॉर्म क्या, समझिए, परसेंटेज फॉर्म परसेंट की वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम टू दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। क्या, कि भाई कोई एक एटम ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया किसके रिस्पेक्ट में, पूरे यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाय 100, उसने जितनी जगह रोकी वो पैकिंग एफिशिएंसी कही जाएगी कोई पर्टिकुलर क्यूबिक लिटाइज की।
क्लियर ना, अगर सिंपल है तो सिंपल, फेस है तो फेस, बॉडी है तो बॉडी, क्लियर। वो हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा, खास ध्यान रखिएगा बच्चों, मिस्टेक ना हो, क्लियर ना, ये फॉर्मूला याद रखना, खास आपको इसको याद रखना है। अब दूसरा पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आपको एक और बात याद रखनी है, हम हर वक्त बात करेंगे किसकी, गोले की, हमारे एटम की बात करेंगे, तो एटम जो होता है वो कौन से शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में, क्लियर ना, एटम कौन से शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में। तो हम एक बात तो यहाँ पे क्लियर कर दे कि वॉल्यूम ऑफ यूनिक सेल, तो हम जिस तीन क्यूब की बात करने वाले हैं वो तीनों तीन, सॉरी हम जिस तीन स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं तीनों तीन स्ट्रक्चर कैसे है, ऐसे क्यूबॉइडल फॉर्म में है, और उसकी एज को हमने क्या कहा, खास ध्यान रखना बहुत काम में आएगा ये आगे, ये एज हमारी ए है, ये भी हमारा ए है और ये भी हमारा ए है, मतलब कि स्फीयर की बात हम फिलहाल छोड़िए, पहले हम क्यूब की बात कर लेते हैं, स्फीयर में बाद में समझाता हूं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल ये हमारा यूनिट सेल है, उसका मुझे वॉल्यूम ढूंढना होगा, ये तो कौन से शेप में, क्यूबॉइडल शेप में, यानी हर वक्त वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल वो तो क्या हो जाता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, बेस में पड़े हो बायो वाले को ध्यान रखना है, क्या एल क्यूब, क्या होता है एल क्यूब, यानी लेंथ का क्यूब, लेंथ क्या है ए, यानी ए का क्यूब, यानी देखिए डिवाइड तो हमें हर एक सेल में मिल गया, हर एक क्यूबिक लेटाइस में डिवाइड की वैल्यू तो मिल गई, कितनी आएगी, हर एक क्यूबिक लेटाइस में डिवाइड की वैल्यू क्या आएगी, ए क्यूब, हर एक में कितनी आएगी, ए क्यूब, पर स्फीयर भी हर वक्त आएगा ही ना, स्फीयर भी हर वक्त आएगा, भी वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटम, यहां पे ध्यान रखना मैंने एटम लिखा है, यहां पे आप बीच में लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम भी लिख सकते हो, क्यों ये चीज ऐड करवाई, बाद में क्यों ऐड करवाई, क्योंकि एक चीज बच्चों आप लोग समझ जाइए कि नंबर ऑफ एटम भी पार्टिसिपेशन करेंगे ना सिंपल क्यूब के अंदर, तो एक ही नंबर, एक ही एटम होता है, जगह कितनी बचेगी, तो खुद एक एटम है और वो कितना ऑक्यूपाई करेगा भाई, उसके बाद हमारे पास एटम नंबर ऑफ एटम कितने हैं, बॉडी एटम के अंदर दो है तो वो कितना एटम ऑक्यूपाई करेगा, देन फोर फेस सेंटर में तो चार है तो वो ज्यादा करेगा, फेस सेंटर में तो ज्यादा है तो ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी फेस सेंटर की, क्लियर। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम भी आप लिख सकते हो, रेडी। और स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्यों लेना है, क्योंकि हम वॉल्यूम किसका लेने वाले हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, एटम कौन से शेप का होगा, एटम होगा स्फीयर शेप का, तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3, मैथ में पढ़े हो पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये चीज आप पढ़ के आए ना मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज पढ़ के आए हो, 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, सिंपल सा लॉजिक कि भाई स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब लेंगे, हर वक्त यूनिट सेल का वॉल्यूम आएगा ए क्यूब, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी डिपेंड्स ऑन क्यूबिक लेटाइस, सिंपल है तो सिंपल क्लियर हो जाएगा आर, इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिखवाई थी वो तीनों वैल्यू लिखवाई थी ना, क्लियर। तो पैकिंग एफिशिएंसी समझ में आ गया आप लोगों को, पहले तो हल्का क्या है पैकिंग एफिशिएंसी के, तो फिर से एक बार रिवाइज कर दूं आपको, दो चीजों का ख्याल रखना है, स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, और मेरे पास यूनिट सेल का वॉल्यूम रहेगा ए क्यूब, क्या रहेगा ए क्यूब, बस यही रिलेशन ड्राइव करना है, यही रिलेशन से आगे बढ़ना है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट बच्चों, हैंडल लगाइए, फर्स्ट एफिशिएंसी ढूंढेंगे फर्स्ट क्यूब के लिए, फर्स्ट मेरे पास है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक एससी के लिए मुझे ढूंढना है क्या, पैकिंग एफिशिएंसी, क्या ढूंढना है, पैकिंग एफिशिएंसी, रेडी। सिंपल क्यूबिक के लिए मेरे पास क्या होता है, मैं साइड में पहले ड्रॉ कर देता हूं, सिंपल क्यूबिक के लिए मेरे पास जो क्यूब होता है, माफ कीजिए, जो भी स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास हर एंड पे एटम होते हैं, क्लियर ना, हर एंड पे मेरे पास एटम होते हैं हर एंड पे, इसलिए उसका जो डेटा है वो डेटा पहले तो हम लिख देते हैं, तो एफिशिएंसी ढूंढनी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, रेडी। चलिए रैंक लिखता हूं मैं, रैंक नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं यहाँ पे, एक, क्लियर ना, रैंक की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की जरूरत पड़ने वाली है, एटम है इसलिए वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तीसरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, उसकी भी मुझे जरूरत पड़ने वाली है, क्यूबिक यूनिट सेल वो भी कितना है मेरे पास, ए क्यूब, कितना है ए क्यूब, क्लियर ना, ये तीन चीजें मेरे पास है और ये तीन चीजों के ऊपर सब कुछ करना है, ठीक है ना। हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, क्या था, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर ना, ऐसा मेरे पास फॉर्मूला था। चलो इसको मैं यहाँ पे डिराइव कर देता हूँ। बहुत इजी टॉपिक है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी है बच्चों, ध्यान रखना। क्लियर, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी है। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ एन एटम वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल एरिया। चलिए पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, चलिए सबसे पहले डाटा लगाते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम। एटम का क्या वॉल्यूम होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब यूनिट सेल। क्या है मेरे पास? ए क्यूब। क्या है मेरे पास? ए क्यूब। अब एक और डेटा यहाँ पे लिख देता हूं मैं। हमारा जो रिलेशन था ए और आर का, वो यहाँ पे क्या था? ए इज इक्वल टू 2R। क्या फॉर्मूला था मेरे पास? ए इज इक्वल टू 2R। समझना क्या है ए इज इक्वल टू 2R। तो अगर ए इज इक्वल टू 2R है तो ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, तो लिख देते हैं पहले तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब, मतलब कि 2a का क्यूब, माफ कीजिए 2r का होल क्यूब, क्योंकि a की इक्वल टू तो क्या है 2r। सो 4/3 मैथमेटिकल स्टेप है, बायो वाला ध्यान रखना, मैथ्स वालों को तुरंत समझ में आ जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब 8 आर क्यूब। देखिए आर क्यूब तो वैसे भी उठ गया सीधा, रेडी, ये 4 से उठ गया, ये 2 3 डिवाइड में आ गया, मतलब यहां पे क्या रह गया पाई डिवाइड बाय 3 टू द 3 आएगा ना, पाई डिवाइड बाय 3 टू द 6। यानी वैल्यू अगर आप यहां पे रखोगे अलग-अलग जो भी हमें मिली है 3 टू द 6 वैल्यू, देखिए फिर से एक बार बताता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पे आर क्यूब देखिए सीधा उठ गया यहां पे ए क्यूब की वैल्यू के हिसाब से, रेडी 3 डिवाइड में आ गया 4 ऊपर 4 टू द 6 हो जाएगा, रेडी इनटू 100 हर वक्त है, यानी इनके साथ 100 हर वक्त जो है उसको मैं लिख देता हूं इनटू 100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मुझे तो याद है, लेकिन आपको याद करना ही है, कितना आंसर आएगा 52। एक्चुअल में इसका आंसर 0.52 आएगा, 52.22 आता है, लेकिन अप्रोक्स आप लोग याद रखोगे इतना 52%, कितना याद रखोगे 52%। रेडी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक कितनी होती है? 52%, 100 से 52, 100 एटम में 52 एटम पैक हो जाते हैं, 100 से 52 एटम पैक हो जाते हैं, कितनी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? 52। सिंपल है, बहुत सिंपल, क्लियर, ये याद रखना, ये तो याद ही रख लेना है, ये कैलकुलेशन करो तो ये तो आपको याद ही रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों, चालू करते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं थी इसलिए उसको रफ कर दिया है, चालू करते हैं सेकंड हमारा जो है बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक। सबसे पहले तो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए, उसके अंदर आपको पता तो है नंबर ऑफ एटम वगैरह क्या है, तो फिगर आपको जरूरत हालांकि पड़ेगी नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को जरूरत पड़ेगी कि सर किस तरीके से वो रैंक ला रहे हैं, जो आगे के लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग भी समझ में आ जाएगा उनको। रैंक सबसे पहले मैं अगर लिखना चाहूं तो बॉडी सेंटर का रैंक मेरे पास कितना आ जाएगा? 2। बॉडी सेंटर का रैंक कितना आ जाएगा मेरे पास? 2। समझिएगा क्या, बॉडी सेंटर का जो रैंक है रैंक मेरे पास कितना आ जाएगा? 2। समझना। और दूसरी बात, क्यों 2 आएगा? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एटम जो है वो टुकड़े मिलकर 1, और 1 होता है मेरे बॉडी के सेंटर में, यहाँ पे क्लियर ना, 1 बॉडी के सेंटर में होता है, इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो रैंक मिल गया। देन आफ्टर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए और आर का रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच का रिलेशन क्या है? ए इज इक्वल टू 4R/√3। क्लियर ना, ए इज इक्वल टू 4R/√3। अभी मैंने सिखा दिया आपको इसलिए टेबल के अंदर, इसीलिए मैंने आपको रेडियस और ए का जो रिलेशन है उसको लेके पूरा एक लेक्चर बिगाड़ दिया, पूरी फिगर के अंदर सब कुछ समझा दिया किस तरीके से रिलेशन होता है ए और आर का, फिर हम डायरेक्टली पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर उसके अंदर उसको अप्लाई कर सके, इसलिए चलिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो मेरे पास है ही, उसको दूसरी बार मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग एक बार लिख देना क्या था फॉर्मूला, बोल देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पर्टिकुलर एटम या नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां पे नंबर ऑफ एटम कितने हैं वो देखना है खास,
वहां पे तो मैंने कुछ लिखा नहीं था, क्यों? एससी के अंदर, क्योंकि वहां पे तो एक ही एटम था, यहाँ पे कितने एटम है? दो, तो यहाँ पे मुझे टू लिखना पड़ेगा। क्लियर ना, नंबर ऑफ एटम जो है वो लिखना पड़ेगा, ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ एटम का वॉल्यूम। यहाँ पे एक एटम का वॉल्यूम फोर बाय थ्री, माफ कीजिए, फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब है, तो दो एटम का कितना होगा? टू इंटू फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब होगा कि नहीं? टू इंटू फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब होगा। रेडी, और नीचे तो मेरा ए क्यूब था ही, ये तो रिलेशन मेरा है ही, तो ये आपको ध्यान रखना है, खास मिस्टेक ना हो। क्या वहां पे तो मैंने नहीं लिखा था अस्सी में, क्यों? क्योंकि अस्सी में तो एक ही एटम होता है, यहाँ पे दो एटम होते तो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। वैसे ही एफसीसी के अंदर मेरे पास चार एटम होंगे तो वहां पे भी मुझे लिखना पड़ेगा। चलिए, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन करते हैं, इज इक्वल टू 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 यहाँ कर सकते, देखिए मैं तो वैल्यू रखता हूँ, मैं टू फोर जा एट, एट बाय रूट थ्री आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब। ए कितना है मेरे पास? ये रहा फोर आर बाय रूट थ्री, ए का क्यूब मतलब फोर इंटू फोर इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय रूट थ्री का क्यूब, थ्री रूट थ्री। नॉर्मल से मैथमेटिकल स्टेप है, बायो वाले थोड़े डिटेल में समझिएगा, इसलिए मैंने अलग अलग दिखाया। देखिए फोर से कट हो जा रहा है टू, तो ऊपर क्या रहेगा? सिर्फ टू आर क्यूब, ऊपर क्या रहेगा? टू आर क्यूब, ये थ्री नीचे आ जाएगा, नीचे फोर फोर का सिक्सटीन, और नीचे एक आर क्यूब था। अब देखिए डिवाइड का जो थ्री रूट थ्री है वो कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी कि वो थ्री रूट थ्री ऊपर गया, जैसे ही वो ऊपर गया थ्री थ्री क्या हो जाएगा? कट, सॉरी आर क्यूब है, माफ कीजिए, ये ऊपर से जो थ्री नीचे आया वो थ्री क्या हो जाएगा? कट, कट हो गया, बराबर। चलिए आर क्यूब भी क्या हो गया? कट हो गया। ऊपर क्या रह गया? टू रूट थ्री डिवाइड बाई सिक्सटीन। क्लियर ना? देखिए पहले फोर से उड़ा है, फोर टू जा टू से उड़ेगा डायरेक्ट, यानी टू एक जा, क्लियर, समझ में आई ना भाई? कितना बचेगा? रूट थ्री बाय एट। और एफिशिएंसी थी मल्टीप्लाई के अंदर, बाकी ये परसेंटेज के अंदर, तो मैं उसको परसेंटेज से दिखा देता हूं। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो मुझे तो पता है, लेकिन आप कैलकुलेट करोगे तो उसको आपको वैल्यू मिलेगी उसकी 68%। क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 68%। रेडी, ध्यान रखना खास, ये या आपको याद ही कर लेनी है हालांकि दिनों दिन के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर से कि भाई पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीसीबी स्ट्रक्चर समझाइए, या पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सीसीबी स्ट्रक्चर एमसीक्यू में पूछते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर कितना होता है, तो पहले का कितना था? 52, दूसरे का कितना आया? 68। अब यहाँ पे जगह नहीं है, एक और चीज मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे बड़ी थोड़ी जगह है, तो इसके ऊपर से जो डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये बोल जाते हैं, वो है वॉइड्स। वॉइड्स क्या होते हैं पहले समझ लीजिए, क्योंकि वॉइड्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे हमारे पास दो बड़े टॉपिक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, लेकिन फिलहाल के लिए समझा लो कि वॉइड्स होता क्या है। हमने देखिए जैसे कि इसके अंदर हमने ऐसे गोले भर दिए, ये गोले भरने के बाद ये जो बीच में आपको जगह दिख रही है, ये जो छोटी छोटी जगह दिख रही है ना, ये जो है, ये जो आपको जगह दिख रही है छोटी छोटी, क्लियर, ये क्या कहे जाते हैं? वॉइड्स। क्या कहे जाते हैं? वॉइड्स। रेडी, जैसे भाई ये स्ट्रक्चर है अरेंजमेंट, तो उसके अंदर ये जो है वो क्या कहा जाएगा? वॉइड्स। क्या कहा जाएगा? वॉइड्स, जो जगह होती है एटम्स के बीच की। अब यहां पे क्वेश्चन एमसीक्यू के अंदर से ऐसे और डायरेक्ट इस तरीके से पूछे जाते हैं कि भाई वॉइड्स, अरे माफ कीजिए, सिंपल क्यूबिक, माफ करते हैं, सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं, सिंपल क्यूबिक, फिलहाल हमने दो पढ़े सिंपल और बीसीसी, तो उसके अंदर वॉइड्स कितने परसेंट होते हैं? तो हमने तो पढ़ा कि भाई एफिशिएंसी इतनी है, तो वॉइड्स कितने? उसका एग्जैक्ट 100 में से निकालो। देखिए ये एससी के लिए, सॉरी कितना था एससी के लिए मेरे पास आया था 52%। अगर पैक होने की एबिलिटी है, 52% अगर वो पैक हो रहे हैं, तो खाली कितने होंगे? 32%, अरे 48%, क्लियर ना? और ये अगर 68 है तो ये कितने होंगे? 32%। सिंपल सी बात है। रेडी, क्या कि भाई ये सिंपल क्यूबिक के अंदर पैक होने की एबिलिटी अगर 52% है, पैक होने की एबिलिटी कितनी है? 52% है, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर के वॉइड्स कितने होंगे? 48, क्योंकि पैक अगर 52 है तो खाली कितना बचेगा 100 में से? ये परसेंट है, परसेंटेज ध्यान रखना, परसेंटेज पूछे तभी वो लिखना। आपको पूछे भाई कितने परसेंट वॉइड्स होते हैं सिंपल क्यूबिक में, तो 48। कितने परसेंट वॉइड होते हैं बीसीसी में? 32।
कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, वहां परसेंट नहीं पूछेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी तो होती ही है परसेंटेज के अंदर, क्लियर। तो पैकिंग एफिशिएंसी उस वक्त कितनी आएगी इसकी, 68, तो वॉइड्स आएंगे 32, इसकी 52, तो उसके वॉइड्स आएंगे 48, ठीक है। ध्यान रखना, खास मिस्टेक ना हो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आखिरी टॉपिक खत्म करते ले लीजिए। चलिए बच्चों आखिरी टॉपिक खत्म करते हैं, टाइटल लगाइए एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब यहां बच्चों को कुछ डाउट रहता है थोड़ा सा, कि सर कुछ बुक में जैसे बीसीसी है वैसे सीसीपी भी दिया गया है, सीसीपी क्लोज क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, तो वो एफसीसी ही है, एफसीसी ही सीसीपी है, इतना दिमाग में रखना, ठीक है। तो डाउट आपका क्लियर कर देता हूं मैं, क्या अगर कहीं पे आप सीसीपी देखते हो क्लोज क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर, तो वही क्या है हमारा एफसीसी, ठीक है। चलिए एफसीसी के लिए मेरे पास फिगर में ड्रॉ कर देता हूं, सबसे पहले तो मेरे पास एक क्यूब है, उसके एंड पे तो होते ही है, ये एंड पे तो हमारे पास एटम होते ही है, हालांकि ये सब मैंने पढ़ा दिया है, सिर्फ हम इसके साथ साथ आपको क्लियर होता रहा इसलिए दूसरी बार बता रहा हूं मैं, रेडी। फेज के अंदर हमारे पास हर एक जगह पे फेज है, टोटल कितने एटम होंगे मेरे पास, नंबर ऑफ एटम कितने कवर होंगे यहाँ पे, 4, यानी कि इसका जो रैंक है, इसका जो रैंक है वो रैंक कितना आएगा, 4 नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, क्लियर ना, है ना, पता है ना, वो लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, बराबर। चलिए रैंक के बाद मेरा रिलेशन उठ के आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, वहां पे क्या था, 4R/√3, वैसे यहां पे क्या आएगा, 4R/√2, रेडी, ए इज इक्वल टू 4R/√2। चलिए एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू न, फॉर्मूला लिखना है, हो गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सेल, माफ कीजिए नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, 4, तो ये खास लिखना, ये मिस्टेक ना हो, क्लियर, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, अगर एक एटम का 4/3πr³, तो 4 के 4×4/3πr³ डिवाइड बाय ए क्यूब, वो तो है ही वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, चलिए वैल्यू पुट कर दी, 4×4=16 16 × π × r³, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, अब देखिए ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 4R/√2, तो उसका स्क्वायर का माफ कीजिए क्यूब कर देते हैं, 4 × r³ डिवाइड बाय √2³, तो √2 रेडी ना, √2 × √2 × √2 √2 × √2 2 × √2 2 √2, चलिए सबसे पहले तो 4×4=16 यहां पे उड़ गया, आर क्यूब उड़ गया, डिवाइड का डिवाइड 2√2 ऊपर ले लो, यानी π/π × 2√2, नीचे क्या रहेगा, 3 4 रहेगा ना, 3×4 4×3=12, क्लियर। फिर से एक बार देख लीजिए क्या, 16, 4×4=16 कट हो गया, r³ कट हो गया, यानी क्या रहेगा यहाँ पे, सिर्फ π × 2√2 नीचे क्या रहेगा, 3×4=12, चलिए 2 से कट हो रहा है, 6 π × √2/6, इसका आंसर आता है 74%, क्लियर ना, याद रखना ये तीनों तीन याद ही रखने हैं, अगर पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, क्या अगर पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, तो वॉइड्स कितने होंगे, वॉइड्स 26% वॉइड्स होंगे, सिंपल है ना, पैकिंग एफिशिएंसी अगर इतनी है 74, तो वॉइड्स कितने होंगे, 26, सिंपल। का ध्यान रखना है किस बात का, रैंक, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे लिखना भूल गए तो आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। क्या एससी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, फेस सेंटर के लिए यानी कि सीसीपी, ये भी ध्यान रखना, सीसीपी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के लिए कितना होता है, 74। अब एक और स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल, मैंने आपको बताया था हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर, लेकिन उसकी एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करना नहीं पूछते हैं, लेकिन एक बार एमसीक्यू आ गया था डायरेक्ट कि एससीबी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो आपको मैं लिखवा दूं, इसको नोट कर दीजिए, एचसीपी स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर, क्या हेक्सागोनल क्यूबिक पैकिंग स्ट्रक्चर की पैकिंग एफिशिएंसी
एज इट इज होती है, एज इट इज किसके एज इट इज होती है, एफसीसी के, सीसीपी और एचसीपी, क्या सीसीपी और एचसीपी दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी एक ही होती है 74% और दोनों के वॉइड्स भी उतने ही परसेंट होते हैं 26%। क्लियर, ये मोस्ट आईएमपी है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आखिर में एक बार रिवाइज कर देते हैं, तीन चीज पढ़े, एससी, बीसीसी, एफसीसी इन द सेंस सीसीपी, रेडी ना, पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड्स उसकी बात कर लेते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी एससी के लिए कितनी थी 52, बीसीसी के लिए कितना था 68, एफसीसी के लिए कितना था 74, यहाँ पे वॉइड्स कितने हो जाएंगे 48, यहाँ पे वॉइड्स कितने हो जाएंगे 32, यहाँ पे वॉइड्स कितने हो जाएंगे 26। तो ये जो टेबल है उसके अंदर जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट फॉरवर्ड पूछते हैं, सीधा पूछ लेते हैं भाई बीसीसी का वॉइड्स कितना परसेंट होता है 32, तो फिर उसको कैलकुलेट करने नहीं बैठना, ठीक है। ये छह चीज तो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि कितनी एफिशिएंसी होती है, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे लीड टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी, सबसे लीड, सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली, किस तरीके से कितने कितने टाइप के जो हमारे पास क्यूबिक लेटाइस है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, ठीक है। सारी बातों को अच्छी तरीके से लिखिएगा, खुद से नोट्स बनाइएगा, जैसे मैं हर वक्त कहता हूँ जितना खुद से लिखोगे उतना आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा और सारी बातों को, ये जो वीडियो के अंदर अगर आपको अच्छी लगी है सारी बातें तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।